अच्छा काम किया है और ITMS हर जगह हुआ है, साथ ही साथ जो हैरेसमेंट है लोगों की कम हुई है, जो फाइन सरकार को आ रहा है तिजोरी में जा रहा है वो बढ़ रहा है, और हम एक मॉडर्न एक स्टेट के रूप में इसमें उभर के आए हैं। बात यह है कि हमारा काफ़ी लंबा बॉर्डर पंजाब के साथ लगता है, 352 किलोमीटर का, 216 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा लगता है जम्मू कश्मीर के साथ, करीब 100 किलोमीटर कुछ लगता है हरियाणा के साथ, 2 किलोमीटर लगता है उत्तर प्रदेश के साथ, 180 किलोमीटर लगता है उत्तराखंड के साथ, और कुछ 40-50 किलोमीटर हमारा बॉर्डर लगता है लद्दाख के साथ। हमारा 240 किलोमीटर बॉर्डर लगता है चीन के साथ। तो हमारा बहुत जगह के साथ बॉर्डर लगता है, बॉर्डर संवेदनशील है और इसकी हम संवेदनशीलता को हम महसूस करते हैं, इसलिए यहाँ डिप्लॉयमेंट वगैरह हम थोड़ा सा एक्सेस कर रहे हैं। चुनौतियाँ काफ़ी आ रही है, लेकिन हमारा काम चलता रहेगा। दो जो हैं चीज़ें, दो इश्यूज हैं या जो दो मुद्दे हैं, इसमें हमको अपार सफलता मिली है। एक तो महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध, दूसरा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इसमें बहुत सफलता मिली है। और जो ड्रग्स में है ये वर्क इन प्रोग्रेस है, नशे में वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है और इसमें हम सही लगन के साथ लगे हुए हैं। हमने हाल ही में 3-4 महीने पहले हमने बाकी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो इसमें एक अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, प्रदाव, जिसमें स्कूल के बच्चे भी हैं, कॉलेज के बच्चे भी हैं, वकील भी है, जजेस भी है, प्रोसिक्यूटर्स भी है, मीडिया है। ये हम ये सोचते हैं कि ये मुहिम सबको साथ लेके चले तभी ये इसमें कुछ तभी कुछ हमको सफलता मिलेगी। और अभी काम चला हुआ है, हम निराश नहीं है, हमने हाथ नहीं खड़े किए। ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी वॉर है, बहुत बड़ी बैटल है, ये लगातार चलती रहेगी और हमारे जितने अधिकारी इस वॉर में हमारे सैनिक हैं ये लगातार चलते रहेंगे। आपको लगेगा यहाँ कुछ नहीं हुआ, वहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन काम चल रहा है। और सबसे अच्छी खबर है कि एक नूरपुर पुलिस जिला बना है, जब से नूरपुर पुलिस जिला बना है उसने बहुत सीजर्स किए हैं और करोड़ों के जो प्रॉपर्टी वो भी जब्त की है। तो जैसे मैंने बोला, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। सिटी चैनल के लिए ऊना से लक्की की रिपोर्ट।